सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सीमा हैदर और सचिन के मामले में एक नया मोड़ आता जा रहा है। इस समय एक तरफ तो सीमा कानूनी पचड़े में फंसी हुई है, दूसरी तरफ उसको घरेलू समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सचिन के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, जिस कारण उनको खाने पीने आदि इत्यादि कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान दोस्तों उसके जो पड़ोसी थे उनका भी उनके प्रति मोह भंग हो गया है। पहले जैसे सीमा के प्रति उनकी एक अच्छे निगाह से देख रहे थे, अच्छे विचार रख रहे थे, अब उन लोगों ने भी अपनी निगाहें पलटनी शुरू कर दी हैं। उसी संदर्भ में मिथिलेश भाटी जो उसके पड़ोस में ही रहने वाली महिला है, उसने सचिन के ऊपर बहुत सी सारी टिप्पणियाँ करी हैं। कहीं सचिन को उसने झेंगूर कहा, कहीं उसने सचिन को लप्पू सा कहा, इस तरह की बातें कह के समाज में उसका अपमान करने की कोशिश की गई। जिसके संदर्भ में उसके जो वकील हैं एपी सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो सचिन का केस और सीमा हैदर का केस देख रहे हैं, इस समय उनको ये बातें पसंद नहीं आईं और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको कानूनी आधार पर लड़ा जाए। तो वो शायद इस मामले को लेकर एक याचिका दायर करने वाले हैं। आओ सुनते हैं एपी सिंह जी से, देखिए वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में। ऐसा है नहीं, शक्ल है नहीं, सूरत भी नहीं है। चलो उन्होंने उसका सीए है, उसका निकाल लिया, पैसा नहीं है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है। आदमी तो होना चाहिए, इसका मतलब वो जानवर है। सचिन बिना जानवर है, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा झिंगुर सा लप्पू मरा हुआ चूहा, मतलब उस चूहे को मारने की भी तैयारी है। मारा भी जा सकता है, हत्या भी की जा सकती है। मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। मतलब उसको इतना करेंगे, मार देंगे, हटा देंगे तो ढूंढे भी ना मिलेगा। ये सचिन मीना भी पूरा मीना समाज है, पूरी दुनिया में मीना समाज बहुत बड़े बड़े पदों पर है। हमारा दलित शोषित मजदूर पीड़ित रहा वर्ग आज अगर ऊंचा उठ रहा है, आज अगर उसका सम्मान। दोस्तों चलो जब ये केस फाइल करेंगे उस समय देखा जाएगा क्या होगा, पर इस समय अभी एजेंसियां अपने काम पे लगी हुई हैं, वो सीमा की गहन जांच कर रही हैं और इस दौरान सीमा ने भी मोदी जी को और योगी जी को राखी भेजी है और उसने उनसे गुहार लगाई है कि मुझे सचिन के पास इंडिया में रहने दिया जाए, मुझे मत भेजा जाए, मेरी आप छानबीन कर लीजिए, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मुझे मानवता के आधार पर इंडिया में रहने दिया जाए, मेरे बच्चे भी यहीं पर रच बस गए हैं, मुझे रहने दिया जाए। और शायद वो दोस्तों इस समय प्रेग्नेंट भी है, वो जो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन अगर कोई ऐसी कानूनी अड़चन आती है उसको जाने के लिए विवश किया जाएगा तो उस समय ये चीज़ें सामने उभर के आएंगी। दोस्तों देखते हैं कानून अपना क्या प्रक्रिया अपनाता है और उसके पड़ोसियों के लिए एपी सिंह जी क्या कार्रवाई करते हैं। जब तक हम इंतजार करते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।